वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबता, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसके अलावा वज़ीर दाखला ने कहा कि हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या फिर रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह के वफद की मसरूफियात के बारे में भी आगाह किया। बेलारूस का आला सतह का वफद कल इस्लामाबाद पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी की जानब से ये कहा गया। वफद 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह कर दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबता, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसके अलावा वज़ीर दाखला ने कहा कि हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या फिर रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह के वफद की मसरूफियात के बारे में भी आगाह किया। बेलारूस का आला सतह का वफद कल इस्लामाबाद पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी की जानब से ये कहा गया। वफद 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह कर दूंगा।